कलोल मामलतदार कचेरी में लांचना मामला समग्र अहवाल मिली रहा है। 2.60 की लांच लेता मामलतदार और सागरित झड़पाया था। तीजो आरोपी नायब मामलतदार प्रवीण परमार नासी छूटो तो भागेड़ो आरोपी नायब मामलतदार 10 दिवस बाद झड़पायो। आरोपी प्रवीण परमार ने एसीबीए गांधीनगर की झड़पी पड़ो। कलोल कोर्ट में आरोपी ने रजू करता कोर्टे 5 दिवस रिमांड मंजूर कर। ऑनलाइन पर संवाददाता राजेंद्र जोड़ा चुका है। राजेंद्र, जे प्रकार आ समाचारों मिली रहा है, एसीबीए जे भागेड़ू मामलतदार हती तेनी धरपकड़ करी छे, कई प्रकारनी अपडेट? थोड़ा दिवस पहला कलोल मामलतदार कचेरी माथी एसीबी ने एक फरियाद मिली हती के मामलतदार नायब मामलतदार अने कॉम्प्यूटर ऑपरेटर एमनी पासेथी जमीन ने लगता कामों की लांच पेटे 2.60 लाख की मांगनी करी छे। एना आधारे एसीबीए छटकू गोठव्यू अने रंगे हाथे जे मामलतदार मयंक पटेल छे अने कॉम्प्यूटर ऑपरेटर छे एने झड़पी पाड्यो हतो। आ उपरांत जे नायब मामलतदार छे प्रवीण परमार ए भागी छूट्यो हतो, परंतु आजे एसीबीए गांधीनगर खाते थी एने झड़पी पाड्यो छे अने कोर्टमां पण एने रजू करवामां आव्यो छे। कोर्टे 5 दिवसना जे रिमांड छे ए रिमांड मंजूर कर्या छे। जी राजेंद्र, तो तमाम विगतो जणाववा बदल आपनो आभार।